विद्यार्थी मित्रांनो, कसा वाटला डान्स? एकदम भारी, खरंच खूप चांगल्या प्रकारे या ठिकाणी डान्स केलेला आहे। यानंतर आम्ही सर्वजण तुम्हाला आपल्या ज्वलंत सध्याचा गंभीर प्रश्न आहे प्लास्टिक या विषयावर थोडक्यात नाटक करणार आहेत। आम्ही सर्वजण नेहरू युवा केंद्र परभणी व्हॉलंटियर म्हणून कार्यरत आहोत आणि आम्ही एक तुमच्या समोर सध्या ज्वलंत प्लास्टिकचा विषय आहे त्या विषयावर थोडक्यामध्ये नाटक करणार आहोत। सर्वांना इथं सर्वांचे पात्र असल्यामुळे सर्वांवर माईक काय देण्याची तेवढी हे होणार नाही, त्यामुळं माईक न घेता तुम्ही सर्वांनी शांत बसा किंवा माईक न घेता ही आम्ही नाटक सादरीकरण करू जेणेकरून आवाज सर्वांपर्यंत पोहोचल। चालेल ना? ओके। आज क्या होगा, आज क्या होगा, नाटक होगा, नाटक होगा, आज क्या होगा, नाटक होगा, नाटक होगा, आओ आओ सभी आओ, नाटक देखो, नाटक देखो, आओ आओ सभी आओ, नाटक देखो, नाटक देखो, आज क्या होगा, आज क्या होगा, नाटक होगा, नाटक होगा। आज हम सब विद्यार्थी आपके सामने एक संगीत समस्या पर एक नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं, तो आइए इस नाटक को देखते हैं। आज कुलपा छुट्टी है, आज कुलपा छुट्टी है, किसकी छुट्टी? कल रात को बारिश हुई थी ना, हमारा स्कूल में पानी भर गया, स्कूल में पानी भर गया, एक रात की बारिश से स्कूल में पानी भर गया, भर जा रहे हैं। हेलो, क्या घर में भी पानी घुस गया, पूरा सामान खराब हो गया, एक रात की बारिश से पूरा सामान खराब हो गया, क्या है इसका कारण? बारिश आए तो मुसीबत, बारिश ना आए। इन सब का कारण हम सब है, हम सब कैसे? हमारी टीचर कहती है जो हम इधर उधर प्लास्टिक फेंकते हैं उसके वजह से वो पानी में मिल जाता है और उसके वजह से पानी का प्रवाह कम हो जाता है। अच्छा, हम सब कैसे? इसका कारण क्या है? ये प्लास्टिक क्या है? गली और चौबारों में, खेतों और खलियानों में, हर जगह मेरा ही बोलबाला है, हा हा हा, मैं हूँ प्लास्टिक, हर जगह मेरा ही हाहाकार है, मैं हूँ प्लास्टिक। बागों की सुंदरता को मैंने ही बिगाड़ा, सागरों में मैं ही समाया, हा हा हा, मैं हूँ प्लास्टिक। खेतों को बंजर बनाया, ना मैं जलू ना मैं सड़ू, मैं हूँ प्लास्टिक। बस खाली। चलो हम सब मिलकर प्लास्टिक को जलाते हैं। अरे नहीं नहीं, इस प्लास्टिक को जलाया तो इससे बहुत विषारु गैस निकलता है, ये हमारे लिए बहुत हानिकारक होता है, इसलिए हम इसको जला नहीं सकते। तो आओ सब मिलकर प्लास्टिक को इस्तेमाल कम करते हैं, हम सब मिलकर प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करते हैं, हमारे गांव से, हमारे शहर से प्लास्टिक को दूर भगाते हैं। मत अपनाओ, ये गलती मत अपनाओ, प्लास्टिक को मत अपनाओ। हेलो गाइस, हाँ बोलना। अरे अरे मेरी आपकी गाय को न जाने क्या होगा, मेरी गाय को रोज 10-12 लीटर दूध देती थी, आज क्या होगा? पास के गांव में भी बंसी की गाय एक दिन ऐसे ही मर गई और बाद में पता चला कि उसके पेट में भी 10 किलो प्लास्टिक था। प्लास्टिक आजकल ये क्या हो रहा है, हर दिन हजारों पशु पक्षी इस प्लास्टिक की वजह से मर रहे हैं, क्यों इस प्लास्टिक को हम
कम क्यों नहीं कर सकते? आओ हम सब मिलकर इस प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करें और हमारे गांव से शहर से मिलकर इस प्लास्टिक को दूर भगाते हैं। जब भी जाओ बाजार बाहर जाओ, जब भी बाजार जाओ अपना थैला साथ ले जाओ, जब भी बाजार जाओ अपना थैला साथ ले जाओ। प्लास्टिक को हटाओ धरती को बचाओ, प्लास्टिक को हटाओ धरती को बचाओ, प्लास्टिक को हटाओ धरती को बचाओ। धन्यवाद। धन्यवाद। प्लास्टिक मुक्तीसाठी आमचं हे जे नाटक होतं ते तुम्ही शांततेने ऐकून घेतलं। मला यामधून जो संदेश मिळायचा होता कोणता मिळाला? प्लास्टिक कमी कमी वापर करायचा आणि शक्य होईल तेवढं प्लास्टिकचा वापर करायचाच नाही। यामधून तुम्हाला हा संदेश नक्कीच मिळाला असेल। धन्यवाद। प्लास्टिक वापरा।